हर हर महादेव। हमारे टेलीग्राम पर कुछ प्रश्न किए हुए हैं, उन सज्जनों ने यद्यपि वहाँ नाम नहीं दिया है, उनका प्रश्न है कि सभी विप्र देवताओं को प्रणाम, क्या दो पक्षों में अनुष्ठान कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? कृपया मेरी जिज्ञासा की शांति करें, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, देखिए प्रायः ये पांडित्य से संबंधित प्रश्न है और सर्वोपयोगी है, आचार्यों और यजमानों के दोनों के ही उपयोगी है। आजकल खैर इसका विचार नहीं कर रहे हैं लोग, वो तारीख से चल रहे हैं। जब भी उनकी तारीख खाली है, जब से उनका जो है अनुष्ठान नहीं है कोई, उसी दिन से अमुक तारीख से आपके यहाँ प्रोग्राम होगा, 7 दिन का कथा या यज्ञ, उसके बाद फिर अमुक के यहाँ होगा, इस तरीके से लोग चला रहे हैं। ये ही जो है यजमानों के लिए भी सुविधा है और ये ही जो है पंडितों ने भी सुविधा मान ली है, जो कि धर्म से, शास्त्रों से, ज्योतिष शास्त्र से सर्वथा प्रतिकूल है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि मुहूर्त चिंतामणि में और शुभाशुभ प्रकरण में पहले ही 34 और 35वां जो श्लोक है, इसमें कुछ निषेध गिनाए गए हैं कि ये ऐसे ऐसे समय हैं, ये किसी भी अनुष्ठान में नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और यहाँ तक हो कि इनको बीच में भी नहीं पढ़ना चाहिए। इनकी फिर व्याख्या है, आप उसकी टीका पीयूष धारा में देखेंगे तो व्याख्या मिलेगी। क्या क्या वे चीजें हैं? जन्मर क्षमा सतिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृत्यमा पित्र दिनानि तिथिक्षयर्धी न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्ध पात विष्कुंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम। ये सब जन्माक्ष, जन्म नक्षत्र, जन्म मास है ना, और जन्म तिथि, जन्मर समाक्ष तिथया, व्यतिपात योग होता है, भद्रा वैधृति योग, अमा माने अमावस्या, और पितृदिन माने माता पिता के जो मृत्यु का दिन है, मृत्यु की जो तिथि है वार्षिक वही, और तिथिक्षयर्धी तिथिक्षय, और न्यून मास माने एक 6 मास भी होता है, अधिक मास, अधिक मास में भी ये शुभ कर्म भर्जित होते हैं, कुलिक ये योग है, प्रह और प्रहरार्ध पात व्यतिपात, विष्कुंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम, इसकी जो है वज्र की, वज्र जो योग है इसकी घटिका 3 घटी ही त्याज्य है, परिगार्धम आधा परिग, परिग योग है, पंचशूले शूल की 5 घटी, सर्च गंडाति गंड योग, गंड और अतिगंड ये भी योग है, इनकी 6-6 घटियाँ, व्यतिपाते 9, व्यतिपात की 9 घटियाँ, नाड्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मसु, ये सभी कर्म में त्याग देनी चाहिए। तो इसी में देखिए अमावस्या आज, तो अमावस्या में पीयूष धारा में क्या लिखा हुआ है, महर्षि वशिष्ठ का वचन देते हुए देखिए, बोले अमा अमावस्या निंद्या, अमा माने अमावस्या है और जी निंद्या है, क्या कहते हैं कि सदैव दर्शे पितृकर्म चैव नान्यद् विधेयम शुभ पौष्टिकाद्यम मूढ़ैः कृतम यच्च शुभोत्सवाद्यम विनाश मायात्यचिरात् भृशं तत् इति वशिष्ठोक्ते। बोले अमावस्या में पितृकर्म खूब करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। नान्यत् विधेयम शुभ पौष्टिकाद्यम, शुभ कर्म पौष्टिक कर्म इत्यादि को इसमें नहीं करना चाहिए, और मूढ़ ही कृतम, यदि मूढ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा किया जाता है, यदि भी करते हैं तो यज्ञ शुभोत्सवाद्यम, जो भी करते उत्सव शुभ कर्म आदि, तो विनाशाय, विनाश जो बोल विनाश के लिए, वो विनाशम आयाति अचिरात, और शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है, विषम तत् और बहुत सा उसको जो है विनाश
प्राप्त होता है, माने प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसमें कोई भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो शास्त्र से विरुद्ध है। देखेंगे आप, देखिए एक ऋषिकेश पंचांग जो है बनारस से प्रसारित होता है, उसको आप देखें, संस्कृत का है, हिंदी का भी अब निकलने लग गया है, उसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कोई लिखा रहता है कि मासांत दोषारंभ, तीन दिन का मासांत दोष होता है। तो मास, हमारे यहाँ मास भले ही जो है कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हो, ये जो बिंध्य के उत्तर में कृष्ण पक्ष से प्रारंभ मानते हैं और बिंध्य से दक्षिण में जो है शुक्लादि मास रहता है, शुक्ल पक्ष पहले रहता है, लेकिन अमावस्या में 30 लिखे रहते हैं पंचांग में। आप देखेंगे मास का मुख्य रूप से अंत अमावस्या में ही होता है, अमावस्या में। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये तीन दिन में मासांत दोष लिखा रहता है। मासांत शास्त्रों में पंचांगकार भी लिखते हैं, तो ये मासांत दोष है, इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं होना चाहिए। और ये पाक्ष जो लंबे अनुष्ठान है, तो ये अमावस्या से दो दिन पहले और अमावस्या, ये किसी भी शुभ कर्म के बीच में भी नहीं होना चाहिए, ये भी गिनाया गया है कि चंद्रमा जब पूर्ण रहता है तो जो है वो कार्य उत्तम होते हैं। महीने को जो है पक्ष को हम जो है तीन भागों में बांटेंगे, जैसे पांच पांच दिन, तो पहले का जो है पहला शुक्ल पक्ष का है ना, तो वो उत्तम है, बीच का मध्यम है, और फिर अमावस्या के पास का जो है निकृष्ट है। अमावस्या के पांच दिन पहले, अमावस्या के पांच दिन बाद चंद्रमा बिल्कुल क्षीण रहता है, तो इसमें तो कर्म निंद्य बताया ही गया है शास्त्रों में, मूल चिंतामणि में भी बतलाया गया है। यहाँ भी मुहूर्त शास्त्र की चर्चा है, मुहूर्तों की चर्चा है, शुभाशुभ की चर्चा है, तो उसमें ये जो है निषिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अमावस्या के पहले तीन दिन मासांत दोष होता है, अमावस्या भी उसमें आ गई। अमावस्या के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसमें चंद्रमा की एक कला होती है जो कि दिखाई नहीं देती है, चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होते हैं, इसलिए क्षीण चंद्रत्वात् निषिद्ध, वो भी चंद्रमा के क्षीण होने से निषेध है। इसलिए अमावस्या के दो दिन पहले और एक अमावस्या और एक दिन बाद, ये तो सभी कर्मों में प्रयुक्त करने योग्य है ही नहीं समय, ये तो वर्ज्य है, इसलिए शास्त्रों में इसको तो बड़ा ही निषिद्ध बतलाया गया है। तो ये किसी भी कर्म के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई आप जो है पाक्षिक अनुष्ठान कर रहे हैं, या जो है 17, 18, 19, 20 दिन का कर रहे हैं, एक महीने से कम दिन का अनुष्ठान 25 दिन का कर रहे हैं, प्रायः तो 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन के ही अनुष्ठान होते हैं, तो इनके बीच में अमावस्या नहीं पड़नी चाहिए। अमावस्या से पहले त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये चार दिन सदा वर्जित कर देना चाहिए। हाँ, अनुष्ठान के बीच में कथा सप्ताह, यज्ञ इत्यादि, रुद्रयाग आदि के बीच में जो है पूर्णिमा पड़ सकती है, ऐसा महामहोपाध्याय विद्याधर गौड़ जी का भी निर्णय है। उन्होंने कहा है कि अमावस्या को छोड़ देना चाहिए और पूर्णिमा पड़ सकती है, अर्थात कोई भी अनुष्ठान शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होकर के और कृष्ण पक्ष तक जा सकता, क्योंकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा निषिद्ध नहीं है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पूर्णिमा के बाद आती है, तो पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र रहते हैं और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा की एक कला ही क्षीण होती है जो कि ग्राही है, इसलिए वहां दोष नहीं है। किसी भी अनुष्ठान के बीच में अमावस्या नहीं होनी चाहिए और पूर्णिमा हो सकती है। तो यूं कहना कि दो पक्षों में अनुष्ठान करना ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा करें आप तो अच्छी बात है, एक में ही प्रारंभ करें, एक में ही हो जाए, लेकिन अमावस्या से संबंधित, ये मासांत दोष से संबंधित, क्षीण चंद्र से संबंधित, ये जो निषिद्ध काल है इसका सदाई परिवर्जन कर देना चाहिए। ये समय बीच में भी न पड़े और इसमें कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ भी न हो। जिन कर्मों का इन्हीं में जो विधान है वे हो सकते हैं, जैसे अमावस्या में दर्श जनन शांति, किसी का जन्म ही अमावस्या में हुआ है तो वो उसके होगा, है ना, और दर्श पूर्णमास याग होता है तो वो सब हो सकते हैं,
या कोई ऐसी कोई शांतिक कर्म है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किसी का जन्म हुआ है तो वो भी शांति का हेतु बतलाया गया है तो उसमें होगा। यानी कोई नैमित्तिक कर्म है वो हो सकता है, सामान्य रूप से जो है जो शुभ कर्म पौष्टिक कर्म इत्यादि का निषेध है। हर हर महादेव।